एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निधि और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू जो कि मैंने काफी टाइम पहले खरीदा था, बट उसका रिव्यू आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि पता नहीं मेरा ध्यान ही नहीं रहा। बस मैं इधर उधर कभी जाती थी तो मैंने उसको कई बार यूज कर लिया लेकिन कभी रिव्यू शेयर नहीं किया आपके साथ में। जो आज मैंने सोचा चलो आज फाइनली आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ रिमेल लंडन के मैच परफेक्शन फाउंडेशन के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा मेरे नायका हॉल्स, अगर आप देखते हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने ये परचेज किया था और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात एसपीएफ 20 के साथ में आता है और वैसे तो आजकल काफी सारे फाउंडेशन हैं जो एसपीएफ के साथ में आने लगे हैं, तो अलग से आपको सनस्क्रीन यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें एसपीएफ 20 मिल जाता है, इनविजिबल कवरेज देता है, विजिबली प्रोटेक्शन देता है, स्किन को कवरेज जो है इसकी वो कहना चाहिए, मैं आपको बोलूं तो इसकी कवरेज जो है वो आपको ज्यादा हाई कवरेज नहीं लगेगी। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत पता नहीं कितना मेकअप लगा लिया है, या फिर आपको मतलब अगर आप नॉर्मली भी कहीं जा रहे हैं और आप इसको यूज करेंगे तो ये आपको काफी अच्छा लुक देगा। सबसे अच्छी बात आपकी जो फेस के इम्परफेक्शन है ना उनको ये बिल्कुल हाइड कर देता है। मुझे इस प्रोडक्ट में ये चीज बहुत अच्छी लगी है। तो जो ये क्लेम करते हैं वो चीज होती है 24 आवर मॉइस्चर देता है ये आपको। तो ये थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग है, इतना मॉइस्चराइजिंग नहीं है कि अगर आप ऑयली स्किन है आपकी तो आपको ये बहुत ज्यादा आपको स्टिकी लगेगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे तो बहुत स्टिकी लगती है चीजें क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, लेकिन ये मुझे बिल्कुल स्टिकी नहीं लगा है। इनफैक्ट ये इतना लाइट वेट है कि ये ना इसका फॉर्मूला एकदम बिल्कुल रनी है, एकदम वॉटरी फॉर्मूला है इसका। तो ये फेस पे इतने अच्छे से ना ऐसे ग्लाइड कर जाता है, जैसे आप इसको ब्लेंड करेंगे ना बहुत इजीली ब्लेंड हो जाएगा, बहुत इजीली आपके फेस पर स्प्रेड हो जाएगा और बहुत ही इजीली आपका ये सेट हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको हैवी नहीं लगेगा और आज मैंने यही वेयर किया हुआ है, बिल्कुल हैवी नहीं लगता है। और इस ये आपके पोर को ब्लर करता है ये भी ये क्लेम करते हैं। तो हल्का सा आप देख सकते हैं बिल्कुल आपको मेरे पोर विजिबल नहीं हो रहे होंगे। वैसे तो मैंने इसको यूज करने से पहले अपना प्राइमर भी यूज किया है, लेकिन हाँ इसको लगाने के बाद इस तरह का इफेक्ट आता है, ये आपको स्मूथ स्किन देता है। मैंने इस प्रोडक्ट में ये चीज महसूस की है। इसका जो आपको प्राइसिंग मैं बताऊं तो उसकी प्राइसिंग है 699 रुपीज, बट आप इसको सेल में परचेज कीजिएगा ये आपको बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिलेगा। ये ऑलमोस्ट 260 रुपीज का आई थिंक अभी मिल रहा था अभी नायका पे जब सेल आई थी और ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। मेरा जो शेड है वो है 101 क्लासिक आइवरी। प्रोडक्ट क्वांटिटी आपको इसमें 30 ml मिलती है, आपको इसमें 3 साल के आपको इसमें शेल्फ लाइफ मिलती है। और क्या चाहिए, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। आप कलर देख सकते हैं इसका कलर किस तरह का है, बाकी मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगी, बाकी अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका कलर कुछ इस तरह का है, मेरी स्किन से हल्का सा लाइट है क्योंकि आपको पता है कि मैं थोड़े लाइट प्रोडक्ट लेती हूँ और अभी मैंने लगा रखा है। आपको बिल्कुल भी ओवर नहीं लग रहा होगा, आप देखते हैं कितनी स्मूथ बना देता है स्किन को इसको। मतलब अगर आप बिगनर है ना तो भी आप इसको आराम से यूज कर लेंगे, ये बिल्कुल भी ब्लेंड करना मुश्किल नहीं है, बहुत ही जल्दी ये ब्लेंड हो जाता है। आप इसको फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला इतना ज्यादा थिक नहीं है, बहुत ही रनी है। तो चलिए आपको इसको लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरह का इफेक्ट आता है। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये प्राइमर, क्योंकि प्राइमर लगाना बहुत जरूरी है और इस तरह से नहीं लगाना चाहिए, बट मुझे थोड़ी सी जल्दी हो रही है, डोंट वरी, मैं इसको स्प्रेड कर लूंगी अच्छे से। मेन पोर्स आपके यहाँ पे होते हैं तो यहाँ पे अच्छे से लगा लेना चाहिए। तो ये मैंने लगा लिया, आप देख सकते हैं थोड़ी सी ना डोई फिनिश देता है हल्की सी। और अब हम लगाएंगे फाउंडेशन। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ रिमेल लंडन का मैच परफेक्शन फाउंडेशन और इसमें मेरा शेड मैंने आपको बताया होगा, इसमें मेरा शेड है क्लासिक आइवरी 101। और अब मैं इसको शेक कर रही हूँ और ये थोड़ा सा रनी है इसकी कंसिस्टेंसी, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और ये आप देखते हैं कि थोड़ा सा ना, ये आप देखिए ये काफी रनी है, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं है बिल्कुल कि आप बोलें कि मतलब बिल्कुल भी थिक नहीं है, बहुत ही रनी है। तो आप ये देख सकते हैं इसका कलर कुछ इस तरह का है और मेरी स्किन टोन से ये थोड़ा सा लाइट है क्योंकि मैं लाइट ही लेती हूँ, क्योंकि कई बार ना डार्क आ जाता है ना वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या लगा लिया है। खत्म हो चुका है,
और अब मैं इसको यूज कर रही हूँ यहाँ पर, ये कलर बार का ब्यूटी ब्लेंडर। इसको मैंने पानी के अंदर सोक करके रखा था, देन मैं इसको यूज कर रही हूँ, और ज्यादा थोड़ा सा स्क्वीज कर लिया है मैंने, और अब मैं इसको यूज कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम आज मैं इसे यूज कर रही हूँ। और आप इसकी कवरेज देख सकते हैं, काफी ज्यादा कवरेज है इसकी, और मैंने इसको पहले भी यूज किया है, ये बहुत टाइम तक स्टे करता है। मतलब जितने टाइम आप इसको लगा के रखेंगे ना, ये करीब 7-8 घंटे तक ना आपका स्टे करेगा। इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करती हूँ, देन आपको दिखाती हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है, और अब ये बिल्कुल मुझे ना ओवर नहीं लग रहा है मेरी स्किन में। आपको ना ब्लेंडिंग मस्ट है, अच्छे से ब्लेंड कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि फेस पे लगाने के बाद अरे ये तो व्हाइट व्हाइट हो गया। नहीं, कई बार ना जब आप बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेते हैं ना, तब वो आपकी स्किन से एकदम से मैच हो जाता है, लेकिन जब आप अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं करेंगे तो वो व्हाइट व्हाइट लगने लगता है, कई बार ऐसा होता है। और अब मैं यहाँ पे पाउडर सेटिंग कर रही हूँ, यह है फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट, और आप देख रहे हैं मेरे जो मार्क्स हैं वो इतने कम विजिबल हैं इसको लगाने के बाद कि मुझे ना कोई कंसीलर की जरूरत नहीं है। देखिए मेकअप आप लेयर्स चाहे कितनी भी लगा लीजिए, बाकी मुझे तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है कि बिल्कुल ये भी हाइड वो भी हाइड, इतनी सारी लेयर्स लगा लें, और सर्दियों में ना क्रीज कर जाता है, ज्यादा आप लेयर्स लगाते हैं तो बचना चाहिए, थोड़ा सा स्किन ड्राई हो जाती है। इस फाउंडेशन में मुझे एक चीज अच्छी लगी है कि ये स्किन को ड्राई नहीं करता है। ये मतलब इसका फॉर्मूला थोड़ा सा ऐसा है जैसे कि रनी तो है ये, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके फेस में बिल्कुल पानी की तरह फैल जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छे से ये ग्लाइड कर जाता है। इसको आपको ब्लेंड करना बहुत ज्यादा इजी है, इजीली ग्लाइड हो जाएगा आपके फेस पे बहुत अच्छे से, और ना बिल्कुल भी चिपचिप नहीं कर रहा है। जैसे कि मेरी स्किन ऑयली है, तो ऑयली स्किन हो ड्राई स्किन हो हर स्किन टाइप पे जाएगा, तो ये प्रोडक्ट मुझे तो काफी अच्छा लगा है। और आप देख ही सकते हैं कवरेज, कितनी अच्छी कवरेज आई है इसमें, तो आप चाहे तो आप डेफिनेटली इसे परचेज कर सकते। सो गाइज, अब मैंने आपको उसको अप्लाई करके भी दिखा दिया, और राइट नाउ मेरे फेस पे देख सकते हैं मैंने इसको यूज कर रखा है। उसको लगाने के बाद मैंने ये कोई 2-3 वीडियोस भी शूट की हैं, और ऐसा नहीं है कि बनाते ही वीडियो बनाने बैठ जाते हैं, बीच में और भी काम होते हैं, लेकिन ये अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। अगर आप चाहें तो आप इसको ले सकते हैं, एक बार ट्राई दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात, डिस्काउंट इतना सारा आता है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ब्रांड बहुत अच्छा है, तो एक बार इसको ट्राई देके देखिएगा कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगेगा आपको। बस इसके अंदर मुझे सिर्फ एक ही कमी लगी है, वो है इसकी कैप। इसकी कैप जो है ना वो इतनी ज्यादा लूज है कि मतलब आपके बैग में भी घुल सकती है, तो ये चीज अगर थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क किया जाए तो काफी अच्छा रहेगा। बाकी पैकेजिंग पंप पैकेजिंग है तो वो बहुत कन्वीनियंट है, लेकिन हाँ इसका जो ये मैं अगर बोलूं इसकी कैप, तो ट्रेवल में अगर आप ले जाएंगे तो थोड़ा आराम से लेके जाइएगा, क्योंकि प्रेस हो गया तो आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा। बस इसमें सिर्फ मुझे यही कमी लगी है, बाकी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा था क्लासिक आइवरी है, तो कहीं कोई ज्यादा मतलब वाइटी वाइटी सा कलर ना आ जाए, ऑनलाइन लेने में थोड़ा सा ये चीज तो रहती है, लेकिन नहीं, कलर परफेक्ट है। तो चाहे तो आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, बहुत अच्छा फाउंडेशन है, इसे ट्राई करके देखिएगा आप एक बार, और विंटर्स के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे अच्छी बात, ऑल स्किन टाइप है, हर स्किन टाइप के लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यही थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, आप लाइक कर सकते हैं एफबी पेज, आईडीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर स्क्रीन पे शो हो जाती है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।